के बारे में विस्तार से जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि पीलिया क्या है। पीलिया रक्त में बिलीरुबिन के बढ़ते स्तर के कारण त्वचा और आंखों का पीला रंग है। आगे हमें यह जानना होगा कि बिलीरुबिन क्या है जो इस पीले रंग का कारण बनता है। यह रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं के टूटने के बाद रक्त में बनने वाला एक रसायन है। यह यकृत में चयापचय होता है और गुर्दे के माध्यम से मूत्र और आंतों के माध्यम से मल में उत्सर्जित होता है। नवजात शिशुओं में पीलिया का मुख्य कारण अपरिपक्व लिवर होता है, जो बिलीरुबिन की उच्च मात्रा को संभाल नहीं पाता है। नवजात शिशु को पीलिया का इलाज क्या है? नंबर एक, नीली रोशनी द्वारा फोटोथेरेपी। यह पानी में अघुलनशील बिलीरुबिन को पानी में घुलनशील बिलीरुबिन में परिवर्तित करता है ताकि इसे शरीर से बाहर निकाला जा सके। नंबर दो, एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जहां हम बच्चे के उच्च बिलीरुबिन रक्त को ताजे रक्त से बदलते हैं। जो बच्चों में न्यूबॉर्न जॉन्डिस में जो हम लोग मेनली जो ट्रीटमेंट देते हैं उसको हम फोटोथेरेपी बोलते हैं, ब्लू लाइट फोटोथेरेपी, है ना। इसमें हम लोग का इस टाइप के लाइट्स आते हैं ना, ये आप जब मैं ऑन करूँगा आप देखेंगे नीला लाइट जल रहा है ना, तो इस टाइप का जो लाइट होता है ये हम इसको लाइट लगाते हैं। और एक जो लाइट है हमारा नीचे लगा हुआ है आप देख सकते हैं, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा LED बल्ब है तो ये भी एक लाइट है तो ये भी जल जाता है। तो हम एक नीचे से देते हैं फोटोथेरेपी और एक ऊपर से देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डबल सरफेस फोटोथेरेपी। ये लाइट का जो रोल है मैं बता रहा हूँ आपको, जो लाइट का जो मेन रोल है ये क्या करता है, जो जॉन्डिस जो होता है एक्चुअली ये पानी में इनसोल्युबल होता है, ये किडनी में फिल्टर नहीं होता है, है ना। तो ये लाइट का जो रोल होता है ये जॉन्डिस को वाटर सोल्युबल बना देता है ताकि ये किडनी में थ्रू फिल्टर होकर ये पेशाब के थ्रू निकले। तो मेन लाइट रोल है, इसलिए आप लोग जैसे बोलते हैं आजकल गांव में झाड़ा देते हैं, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब एक मिसकंसेप्शन है। जॉन्डिस कभी भी झाड़ने से नहीं कमता है ना, स्पेशली न्यूबॉर्न जॉन्डिस। और जॉन्डिस जो है कभी भी आपको लाइटली नहीं लेना है, हमेशा जब भी बच्चे को जॉन्डिस होता है तुरंत डॉक्टर को दिखाइए, उसका ब्लड टेस्ट करिए, अगर वो रेंज में आ रहा है तुरंत फोटोथेरेपी स्टार्ट करना है। और ये फोटोथेरेपी इज़ द बेस्ट वे टू डिक्रीज द जॉन्डिस लेवल इन दी ब्लड और क्योंकि जॉन्डिस अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा बेबी का ब्लड में तो वो क्या करता है, दिमाग में काफ़ी इफेक्ट करता है, जिसको हम लोग एक मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं एक बीमारी का नाम कर्निक टेरस। ये कर्निक टेरस एक बीमारी होता है जिसमें क्या होता है, बच्चा अकड़ जाता है, दूध नहीं पीता है और दौरे आने लग जाते हैं, और ये ब्रेन जो डैमेज होता है ये परमानेंट हो जाता है, बच्चा परमानेंटली विकलांग हो सकता है। तो इसलिए कभी भी आप बच्चों के साथ जो जॉन्डिस के लिए कभी भी आप इसको लाइटली मत लीजिए, जब भी लग रहा है बच्चा पीलिया हो रहा है तुरंत आप बच्चे को डॉक्टर के पास ले आइए, लाके तुरंत दिखाइए, ब्लड टेस्ट कराइए और डॉक्टर से आपको बेस्ट से बेस्ट। तो मैंने ये बता दिया आपको, तो अगली जैसे कि अगर ये जो आप लाइट देख रहे हैं ये आप फोटोथेरेपी लाइट है, अगर हम इसको ऊपर से ओनली सिंगल सरफेस देते हैं तो इसको हम सिंगल सरफेस फोटोथेरेपी बोलते हैं, सिंगल सरफेस फोटोथेरेपी। और अगर नीचे से भी देते हैं तो ये इसको बोलते हैं हम लोग डबल सरफेस फोटोथेरेपी। अगर डबल सरफेस कब दिया जाता है, जब बेबी का जॉन्डिस ज़्यादा हो और बहुत सीवियर डीप जॉन्डिस बोलते हैं, जिसको एकदम पूरा ऐसा लग रहा है कि बच्चे को हल्दी से नहला दिया है, तो उस टाइप का जॉन्डिस में हम डबल थेरेपी यूज़ करते हैं, ठीक है। हेलो, आई एम मायसेल्फ डॉक्टर ज़हीर इकबाल आलम। जैसे कि मैंने आपको वीडियो में सारी चीज़ बताई दिया है कि पीलिया कब होता है, बच्चे को क्यों होता है ये, और इसके जो मेन इलाज है वो मेनली फोटोथेरेपी ही होता है। तो मैं आपको बेसिक चीज़ कुछ और बताना जा रहा हूँ, जैसे कि सीरियस जॉन्डिस होता है, जो सीरियस जॉन्डिस है, सीरियस जॉन्डिस मतलब कब हम बच्चे को ये मानेंगे कि जॉन्डिस ज़्यादा सीरियस है और इसको भर्ती करके ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, ठीक है। इसमें से दो तीन पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे कि जो जॉन्डिस 24 घंटे से पहले दिखाई दे, है ना, जो आपको लग रहा है कि बच्चा सपोजली मॉर्निंग में डिलीवरी हो गया है और शाम तक आपका बच्चा बहुत पीलिया लग रहा है ना, देखने में पीलिया लग रहा है, हाथ पैर पीले हो गए, तो ये एक सीरियस जॉन्डिस है, इसका मतलब जॉन्डिस काफ़ी हाई है, इसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। और दूसरी चीज़ किफालो हेमाटोमा, एक मेडिकल में एक टर्म होता है किफालो हेमाटोमा। किफालो हेमाटोमा मतलब क्या होता है, कभी कभी बच्चा जो नॉर्मल डिलीवरी में जब भी बच्चा माँ के पेट के थ्रू निकलता है तो कभी कभी जो कुछ खून के ढब्बे गड्ढे से बन जाते हैं सिर पे, स्पेशली स्कैल्प बोलते हैं हम उसको, तो स्कैल्प में आप देखिएगा सूजन आ जाते हैं, तो वो किफालो हेमाटोमा मतलब उसमें वहाँ पे ब्लीडिंग हो जाते हैं सिर से, जो नॉर्मल जो स्किन होता है स्किन के नीचे माइनर से ब्लीडिंग हो जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था वीडियो में पहले ही,
जो जॉन्डिस होता है ये खून से ही ये स्टार्ट होता है। जब भी आरबीसी ब्लड रेड ब्लड सेल्स जो है जो टूट जाते हैं उसके वजह से क्या होता है जॉन्डिस जो बिलिरुबिन जो है वो फॉर्म होता है और बिलिरुबिन से ही जॉन्डिस होता है। तो एक किफालोहेमाटोमा क्या होता है, किफालोहेमाटोमा एक खून का डब्बा होता है, मतलब खून टूट जाते हैं उसमें उस एरिया में सूजन बन जाते हैं, मतलब वहाँ पे ब्लीडिंग हो जाते हैं, माइनर ब्लीडिंग हो जाते हैं, इसके वजह से वहाँ पे बिलिरुबिन का लेवल जो है राइज हो जाता है बॉडी में। तो अगर ये आपका बच्चों में दिखाई दे तो इसके वजह से भी बच्चे को जॉन्डिस होने का चांसेस रहता है। और दूसरा चीज़ है आपका, अगर कभी भी आपको ये लगे कि बच्चे के जो हाथ के तलवे जो ये पार्ट होता है हाथ का और पैरों का ये कभी भी येलो लग रहा है, मतलब बच्चा को जॉन्डिस का लेवल काफ़ी हाई है, बिलिरुबिन का लेवल काफ़ी हाई है, तो इस कंडीशन में आपको बच्चे को तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट कराना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये प्रेजेंस ऑफ कंडिक्टरस, कंडिक्टरस मतलब जॉन्डिस का कॉम्प्लिकेशन, जो मेन कॉम्प्लिकेशन लास्ट स्टेज जो होता है जॉन्डिस का, वो हम लोग कंडिक्टरक्स बोलते हैं हिंदी लैंग्वेज में। कंडिक्टरक्स मतलब जॉन्डिस जो बिलिरुबिन का जो लेवल है वो दिमाग तक पहुंच गया है और ये दिमाग को असर करना शुरू कर दिया। इसमें क्या होगा, बच्चा अकड़ जाएगा, बच्चा को एक्सेसिव पढ़ाई करेगा, शायद आप उसको फीडिंग भी दे दिए फिर भी बच्चा रोता रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, फीडिंग नहीं लेगा बिल्कुल, अकड़ेगा, दोहरे जैसा बनेगा, ये सब साइंस एंड सिम्टम्स होता है कंडिक्टरस का। तो इस कंडीशन में तुरंत बच्चे को आप कभी भी घर पे इसको कभी भी घरेलू इलाज ना कीजिए, तुरंत डॉक्टर के पास ले आइए, तुरंत इसमें इलाज करना, क्योंकि ये एक बार जब बिलिरुबिन जब दिमाग में पहुँच जाता है तो ये ब्रेन को पूरा परमानेंटली डैमेज कर देता है और फिर इसको कंट्रोल करना, ट्रीटमेंट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल बन जाता है। और दूसरी चीज़ है, सपोज़ लिए आपका बेबी अगर प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गया है, समय से पहले हुआ है, ऐसे कंडीशन बच्चों को जिसका वजन 2.5 किलो के नीचे है ऐसे बच्चों को भी पीलिया होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो ये सीरियस जॉन्डिस इस सब कंडीशन में दिखाई देता है और इस कंडीशन में आप। और दूसरी चीज़ जो मेरे पेरेंट्स जो मेरे पास जो आते हैं, जो मेन क्वेश्चन रहता है पेरेंट्स का कि ये जो जॉन्डिस है ये माँ के थ्रू तो नहीं आया, माँ का खाने से तो नहीं हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है, मदर से कोई भी रिलेशन नहीं है पीलिया का। हाँ, मदर का रिलेशन हो सकता है जब मदर को हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हो या कुछ और पैरामीटर्स होते हैं जो हम लोग टेस्टिंग कराते हैं, गायनी के डॉक्टर लोग टेस्टिंग कराते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया, HIV हो गया, ये सब में अगर कुछ भी पॉजिटिव हो तब होने का चांसेस रहता है, लेकिन वो बहुत रेयर है, वो उस कंडीशन में वो बहुत रेयर होगा, वो इतना नहीं होगा। तो जॉन्डिस का जो मैंने आपको बताया, तो जॉन्डिस का बेसिकली मेन दो ही ट्रीटमेंट है ना, एक तो फोटोथेरेपी होता है और एक दूसरी चीज़ है जो एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूशन। एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूशन हम तब करते हैं बच्चों को जब बहुत ही ज़्यादा उसका बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो, है ना। तो हम लोग के पास, हम पेडियाट्रिशियन के पास एक चार्ट होता है, जो मैंने आपको वीडियो में भी बताया, एक चार्ट होता है, वो चार्ट में हम लोग जो भी हम बिलिरुबिन टेस्ट कराते हैं उस चार्ट के साथ हम मैचिंग कराते हैं, उसमें हाई रिस्क, मीडियम रिस्क और लो रिस्क, ये तीन टाइप के बच्चे होते हैं हमारे पास जो हम अकॉर्डिंग टू डैट हम चेक करते हैं। और हम वो जो बिलिरुबिन का जो लेवल है वो पर डे के हिसाब से वो चेंज होते रहता है, जैसे कि डे वन में जो बिलिरुबिन का जो लेवल कम होता है डे टू में वो थोड़ा बढ़ जाता है, उस हिसाब से फिर हम उसको मैचिंग करते हैं। अगर वो फोटोथेरेपी के रेंज के अंदर आ रहा है तभी हम उसको फोटोथेरेपी स्टार्ट करते हैं, अदरवाइज हम उसको दो दिन बाद दोबारा फॉलोअप में बुलाते हैं, दोबारा ऑब्जर्व करते हैं, ऐसे हम वो इसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। और एक आता है आपका एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूशन। एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूशन हम तब करते हैं जब बिलिरुबिन का लेवल बहुत ही ज़्यादा हो, सपोजली फॉर एग्जांपल 25 mg से ज़्यादा है, है ना। तो उसके बाद हम उसमें क्या करते हैं, वो फोटोथेरेपी उसमें इतना इफेक्टिव नहीं रहता है, तो उसमें हमको एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूशन करना पड़ता है। एक्सचेंज ब्लड ट्रांसफ्यूशन में हम क्या करते हैं, जनरली हम बच्चे का जो खून एक तरफ से निकालते हैं और दूसरा एक फ्रेश ब्लड हम अंदर बेबी के अंदर डालते हैं। उससे क्या होता है, जो हाई बिलिरुबिन वाला ब्लड जो होता है वो बाहर आ जाता है और जो जिसमें बिलिरुबिन कम हो वो फ्रेश ब्लड हम देते हैं। तो इस टाइप के हम बच्चे में दो टाइप के हम ट्रीटमेंट देते हैं बिलिरुबिन। यदि न्यूबॉर्न जॉन्डिस के रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल पैदा हो रहे हैं या कोई डाउट रह गया हो जो मैं इस वीडियो में नहीं बता पाया आप लोगों को, या अभी कोई भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप हमें पूछ सकते हैं, हमारा जो सोशल मीडिया पेजेस है फेसबुक में, यूट्यूब में और इंस्टाग्राम पेज में आप हमें मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, फीडबैक दे और सकते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए कि हम किस टॉपिक पे हम आपको दूसरा वीडियो बना के दे सकते हैं जिससे आपका डाउट्स एंड क्वेरीज, सवाल जो भी आपके रहते हैं न्यू बॉर्न बेबी से रिलेटेड या बच्चों से कोई भी रिलेटेड, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आप, मैं कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक के ऊपर एक नया वीडियो आप लोग के सामने ला सकूँ। थैंक यू।